मेरा देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन नाम से होता है, तो मेरा नाम आप सब लोगों को पता है, गीतिका, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम से पहचाना जाए, तो बस वो काम कर रही हूँ। और जहाँ तक रही SGD म्यूज़िक की बात, तो SGD म्यूज़िक मैं जब, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं म्यूज़िक सीखूँगी और गाऊँगी और एक संगीतकार बनूँगी, बट मैं वो तो नहीं बन पाई। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको जीऊँगी, और इसके साथ ही हमने इस फर्म को बनाया है, और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है लोगों को। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं इस, मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे, और मैं भारत की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत हैं जिनको ये मौका नहीं मिल पाता है। तो हम जस्ट ये ट्राई करेंगे इन फ्यूचर कि उन लोगों को भी हम लेकर के आएँ, और वो लोग हमारे कंपनी के लिए गाएँ, अपने लिए गाएँ। यस, देखिए गानों की बात रही तो गाने तो बहुत हर जॉनर के आएंगे, हम किसी एक जॉनर के साथ जाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे रोमांस भी होगा, यहाँ पे सैड भी होगा, और बहुत सारे वेरिएशंस होने वाले हैं। और इसके साथ साथ फ्यूचर में हम OTT प्लेटफॉर्म पे भी जाने वाले हैं, हमारी मूवीज़ भी चल रही हैं प्रोसेस में, तो बहुत कुछ आप देखने वाले हैं SGD के साथ। ये यस, ये हमने करीब हमें एक साल हो गया है, और इस पर हम तब से सोचकर और लगे हुए हैं बस इसको आगे करने के लिए। हम एक दिन बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि क्योंकि मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, मुझे गाने सुनने का, मुझे डांस करने का, मतलब बहुत ज़्यादा शौक, बहुत बहुत इंटरेस्ट है। तो जस्ट सोच रही थी कि कुछ तो ऐसा क्रिएटिव किया जाए, और ये आइडिया आया और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और आप आज आपके सामने हैं। अभी मैं इस बारे में कुछ भी बताना या बोलना नहीं चाहूँगी, फ्यूचर में पता चलेगा, अभी क्योंकि मैंने भी डिसाइड नहीं किया है। मैं ऑडियंस से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो SGD को बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि सी कुछ भी कर लें, अगर हमारे साथ लोग नहीं हैं तो मेरा मानना है हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो लोग आए हैं, आप लोग सब लोग, सबको थैंक यू सो मच, एंड जो ऑडियंस देख रही है उसको भी थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारे प्यार और बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। थैंक यू। गाने के बारे में आई थिंक गाना खुद ही बयां कर रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी ब्यूटिफुल, इनोसेंट एंड यू नो एक क्यूट सी लव स्टोरी बहुत टाइम के बाद आप लोगों को देखने मिलेगी। एंड आई थिंक द इनोसेंस एंड द मासूमियत, दैट इज़ द USP ऑफ द सॉन्ग। वही रीज़न है जिसके से मैं इतना उत्सुक था ये गाना करने के लिए, बिकॉज ये गाने में एक बहुत प्यार और एक बहुत ही मासूमियत भरा स्टोरी है, और दैट वॉज़ द सेलिंग पॉइंट फॉर मी। मुझे लगा कि यही एक चीज़ है जो बहुत टाइम से मिसिंग है, एंड ये गीतिका मैम और SGD बहुत प्यार से दर्शा रहे, तो आई थिंक आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द इनोसेंस ऑफ द सॉन्ग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए SGD कंपनी जो हमने सोचा और जो बनाया, उसके पीछे एक बहुत छोटा सा रीज़न है। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि मैं म्यूज़िक सीखूंगी, बट मैं म्यूज़िक तो नहीं सीख पाई। फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने डिसाइड किया मैं म्यूज़िक को जीऊंगी, तो इसलिए हमने इसलिए SGD की कंपनी बनाई है, और इसमें बहुत कुछ होने वाला है आगे फ्यूचर में। और हमने, हाँ ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है कि हमने जान को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इस सॉन्ग में आई थिंक इनकी वॉइस से अच्छी किसी की वॉइस जा ही नहीं रही थी। बहुत अमेजिंग इन्होंने गाया, और सिंगर मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि गाना तभी अच्छा लगता है जब आपके दिल को एकदम से टच कर जाए, और जब इनकी वॉइस में वो हमने सुना तो एकदम से टच कर गया। तो हमने आपको परफॉर्म करते हुए भी देखा, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको भी फीचर करना चाहिए था इस गाने में? तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है गाने में। हम सब इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे आपको कि हमने भी इनको बहुत बार अभी बोला है,
और आज इनको कंफर्मेशन मिल गया मेरी मॉम से भी, बिकॉज माई मॉम इज़ बिकम अ फैन ऑफ गीतिका मैम। प्लीज़ फ्यूचर में देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ अच्छा करने का। जब मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे है क्या है। जब मैं फर्स्ट टाइम ये टीम से मिली, ऑब्वियसली मैं इन दोनों से नहीं मिली थी उस टाइम पे, मैं जब क्रू से मिली थी कि जो भी क्रिएटिव डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मुझे इतनी अच्छी वाइब आई, आई गॉट अ फ्रेंडली वाइब फ्रॉम देम। सो आई वॉज प्रीटी मच श्योर कि बहुत अच्छा शूट होगा, सब बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो जब सेट पे बोलो तो हर डिटेल पे ध्यान दिया गया था, डिटेलिंग ही सही, फुल एकदम अच्छे से फैमिली जैसा माहौल हो गया था। एंड विथ हिम आई हैड द बेस्टेस्ट टाइम, बिकॉज वो होता है ना, एक को एक्टर का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, विच आई गॉट रियली नाइसली फ्रॉम हिम। एंड देन वी गॉट टू नो ही इज़ सिंगिंग द सॉन्ग, तो यू नो लेवल अप होते गया। तो ऑफकोर्स इट शोड अप ऑन स्क्रीन, बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया और हमने बहुत प्यार से बनाया है वीडियो। सो या जैसे ही मेंशन द इनोसेंस, द प्योरिटी ऑफ लव, वो पहला प्यार होता है वो झलक रहा है इसमें। आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू रिमेंबर सम और द अदर इंसिडेंट फ्रॉम देयर लाइफ, जब ये वीडियो देखेंगे तब कुछ ना कुछ उन्हें याद आ जाएगा उनके लाइफ का। जब ये वीडियो बहुत ही रिलेटेबल बना है, हर एक छोटे छोटे इंस्टेंसेस जो हम प्यार में करते हैं वो सारे अच्छी तरह से दर्शाए इसमें। सो या आई एम श्योर एवरीवन इज गोइंग टू लव द वीडियो। शी वॉज वेरी सपोर्टिव, लाइक ऑन द सेट हमें लगा ही नहीं कि यू नो एक यू नो फ्रॉम दैट पोजिशन समबडी इज़ विथ अस। बहुत फ्रेंडली थी हमारे साथ, एकदम कूल थी हमारे साथ, लंच डिनर सब बहुत प्यार से रखा है इन्होंने। एंड शी इज़ ऑफकोर्स सो स्वीट, बहुत प्यारी है, तो वी लव हर। ये गाना एक्चुअली फर्स्टली जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर है उन्होंने सूरज महेंद्र जी, तो ही हैड कॉन्टैक्टेड मी एंड मुझे एक्चुअली लाइक इवन उर्वशी हैड मेंशन, आई डोंट नो व्हाट आई वाज गोइंग इन फॉर। जब मैं गई तो उन्होंने बोला कि मैथिली ये गाना है आप गाइए, तो उसका एक ड्राफ्ट बना। उसके बाद आई हैड वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई वॉज सो ईगर टू सिंग दिस सॉन्ग, सो आई हैड माई फिंगर्स क्रॉस की आई होप इट गेट्स अप्रूव्ड। तब तक भी आई डिड नॉट नो द मेल सिंगर। They then called me a few days back for the final dub and जब मुझे पता चला कि इसमें firstly तो I'll be doing a duet with the wonderful जान कुमार चाना, I was like so inspired and I felt so privileged, और उससे भी ऊपर of course इन दोनों के साथ you know to sing over their enactment, it was such a beautiful thing, and then Bhagyashree's lyrics as well. तो बाकी तो दिस सॉन्ग इज़ सो ब्यूटिफुल, एज अ वेरी यंग फीमेल आई कैन से दैट आई रेजोनेट विद द सॉन्ग। सो हमारी जो भी यूथ है सब एक्चुअली एवरीबडी विल रेजोनेट विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग, इट विल रिमाइंड देम ऑफ देयर फर्स्ट लव। बहुत ही प्योर, बहुत ही सिंपल। जी एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज हमारी टीम बहुत वंडरफुल थी, स्पेशली हमारे जो भी सेट पे लोग थे, प्रोड्यूसर्स और बाकी डीओपी डायरेक्टर सब लोग बहुत डाउन टू अर्थ थे और एकदम फैमिली वाला माहौल हमें पूरा देखने को मिला थ्रू आउट पूरा गाने के शूट के दौरान। इवन अभी तक रिकॉर्डिंग के टाइम जब भी प्रीव्यू देखा, जब भी मिलते हैं तो दे आर वेरी फैमिली टाइप, इट्स नॉट कि वो एक प्रोफेशनल नहीं मिलता हमें, वो फैमिली वाला ट्रीटमेंट मिलता है हमेशा, और वैसे ही अच्छा काम होता है यार अपना, मतलब काम भी अच्छा हुआ है, इन्होंने हमें कंफर्टेबल रखा और उसी जोन में हम लोग थे और इसीलिए शायद अच्छा काम निकल के आया है। तो या विशेष तो इस गाने को बहुत ढेर सारी है पहले से ही, और जो आने वाले गाने उनको उनके लिए भी है, और अल्फाज के लिए तो मैं क्या कहूँ कि वो था इस गाने के साथ एक अलग ही अटैचमेंट है। जब गाया पहले मैं डमी देने गया था, कहा चलो यार ये गाना तो बैठ रहा है, मैम ने कहा चलो यार ये तो गाना बहुत सही जा रहा है, तुम गाओ, तुम ही गाओगे इसको। तो बस इसके साथ और इसके लिरिक्स क्या कंपोजिशन है, बहुत बहुत ही अच्छा है, तो क्या ही बोलूँ। अच्छा ओके। मेरी सर्दियों का स्वेटर, तू मेरी उड़ती पतंग,
करके इशारे मुझे आंखें ले गई तेरे संग, कहीं चाय की चुस्कियों में मुझसे ये कह के गया, रहेगा तू मेरा, रहेगा तू मेरा।